सिल्टेशन. व्हाट इज सिल्टेशन? इज बेसिकली अ डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन डैम्स. नाउ व्हाट इज सिल्ट? सिल्ट होता है कचरा, जिसके अंदर रॉक, सैंड, क्ले, ये सब कचरा जब मिल जाए, मतलब गंदगी मिल जाए, तो सिल्टेशन होता है. सही है. अगर ये पानी के अंदर मिक्स हो जाए तो हम इसको सिल्टेशन कहते हैं. कचरा पानी में मिक्स हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? सिल्टेशन. कॉजेस, सिल्टेशन क्यों होती है? सबसे पहला रीजन है डिफॉरेस्टेशन. सर, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन से ये होता है कि आपके पास, डिफॉरेस्टेशन से ये होता है, देखें आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है. सही है, इसको गौर से समझिएगा. डिफॉरेस्टेशन से सिल्टेशन कैसे होती है? आपके घरों के अंदर ट्री होगा, आपकी स्कूल में ट्री होगा, कहीं पर भी ट्री होगा, तो आपने ये बात समझनी है कि एक ट्री है. जब एक ट्री है तो हो क्या रहा है कि उस ट्री की रूट्स हैं, उस रूट्स ने क्या करा हुआ है? सॉइल को होल्ड करा हुआ है. क्या करा हुआ है? सॉइल को होल्ड हो गया, सॉइल को होल्ड. अब जब हम ट्री को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन का मतलब ट्री को आपने काट दिया. जब ट्री को हम काटते हैं तो क्या होता है कि सॉइल अब जो है वो होल्ड नहीं की हुई रूट्स ने, रूट्स की पावर खत्म हो गई, अब उन्होंने सॉइल होल्ड नहीं की हुई. तो अब जब पानी आएगा, ग्लेशियर्स का पानी फॉरेस्ट से मेल्ट होते जा रहा है, कहीं से भी पानी आएगा, वो अपने साथ सॉइल कैरी करते हुए जाएगा. जब वो सॉइल कैरी करते हुए जाएगा तो पानी में गंदगी जाएगी, तो सिल्टेशन हो रही है. तो डिफॉरेस्टेशन इस तरीके से. इरोजन, इरोजन का मतलब होता है पत्थर एक जगह से टूट के दूसरी जगह जा रहा है. अब अगर एक पत्थर है, एक माउंटेन है, वो एक वक्त पर आकर टूटेगा, जब वो टूटेगा तो नीचे रिवर होगा, रिवर में जाके पानी मिक्स हो जाएगा, वो जब पत्थर मिक्स हो जाएगा तो सिल्टेशन हो जाएगी. अनलाइंड कैनाल्स, देखें एक है लाइंड कैनाल्स मतलब पक्के सीमेंटेड, लेकिन एक है अनलाइंड कैनाल्स. अब अनलाइंड कैनाल्स के अंदर क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर की दीवार है बिल्कुल पक्की. अब आपके घर की दीवार जब बिल्कुल पक्की है, आपने उसमें पानी फेंका, तो वो पानी जब फेंका तो वो उससे कुछ टूटा नहीं, मतलब वो पानी बस सफाई हो गई. लेकिन अगर एक कच्ची दीवार है, जब एक कच्ची दीवार है तो उससे ये हुआ कि उस कच्ची दीवार पे जब आपने पानी फेंका तो उसमें से मट्टी गिरी. तो कहने का मकसद ये है कि जब कैनाल अनलाइंड होगा, अनलाइंड मतलब सीमेंटेड नहीं होगा, कच्चा होगा, तो जब उसमें से पानी फ्लो होगा तो साथ में उसके साथ मट्टी भी जाएगी. तो तीन कॉजेज हैं पानी के मिट्टी में मिलने के. सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन, जब आप दरख्त काट देते हो तो रूट सॉइल को होल्ड नहीं कर पा रहा, सॉइल एक्सपोज हो गई, पानी जैसे ही आएगा वो पानी के साथ कैरी बहते हुए चले जाएगी, सिल्टेशन हो. एरोजन, पत्थर टूट रहा है, पहाड़ टूट रहा है, वो गिरकर पानी के अंदर कहीं ना कहीं से मिक्स हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, इरोजन हो रही है, तो उससे पानी के अंदर मिक्सिंग हो रही है, गंदगी की सिल्टेशन. तीसरा अनलाइंड कैनाल्स, पानी अगर आपके पास कच्चे कैनाल्स में से जा रहा है तो उसके साथ मट्टी भी जाएगी, तो अनलाइंड कैनाल्स. फिर आपके पास है अफेक्ट्स, इससे क्या होगा? सिल्टेशन की वजह से क्या हो सकता है? ब्लॉकेज ऑफ कैनाल. सर क्या मतलब? देखिए आपका ये कैनाल है फॉर एग्जाम्पल, अचानक इस कैनाल के अंदर एक पानी के साथ एक बड़ा सा पत्थर आ गया, बड़ा सा पत्थर यहाँ फंस गया, कैनाल ब्लॉक हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा. तो आपके पास पहला ये हो गया. दूसरा ये है कि फाउंडेशन ऑफ डैम वीक होगी. देखिए आपके पास पानी में पत्थर है, पानी में पत्थर, जब आप, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपने घर पे जो है वो अपनी दीवार पर जोर से पत्थर मारे, दीवार पे क्रैक आ जाएगा, दीवार का पेंट उतर जाएगा, दीवार में कोई मसला आ जाएगा. इसी तरीके से जब पानी तेजी से फ्लो होते हुए आ रहा है और उसके अंदर पत्थर है, उसके अंदर पत्थर छोटे छोटे हैं, सिल्टेशन है, पत्थर बड़े भी हैं, और जब वो डैम में जा रहे हैं और डैम की दीवार से जब टकराएंगे तो डैम की फाउंडेशन वीक होगी या नहीं होगी? फाउंडेशन वीक होगी. डैम पानी कम स्टोर करेगा. सर कैसे? मैं समझे, देखिए आपके पास दो गिलास है, सही है, दोनों आइडेंटिकल गिलास है. एक गिलास के अंदर मेरे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी है, वो मेरे पास पानी यहां तक क्या हुआ है? पूरा भरा हुआ सही है, पूरा पानी भरा हुआ. लेकिन एक और गिलास है, एक और गिलास के अंदर मैंने ये चीज देखी कि नीचे है कचरा, वो है ब्लैक कलर का कचरा, मतलब कचरा आपका हमेशा नीचे जाके बैठ जाता है, और फिर है पानी. तो अगर सिल्टेशन हो रही है, कचरा डैम के अंदर जा रहा है, तो डैम की स्टोरेज कम हो जाएगी क्योंकि कचरे में आपकी स्टोरेज जा रही है. फिर लेस एचईपी, देखिए अगर सिल्टेशन हो रही है तो चांसेस तो ये है कि आपकी मशीन खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें जब पानी जब फ्लो होते हुए जा रहा है, टरबाइन पे हिट करेगा जिससे एचईपी बनती है, वहां पर जब हिट करेगा उसमें कचरा जा रहा है, तो मशीन खराब होने के चांसेस है. दूसरा, पानी की क्वांटिटी बहुत कम है,
जब पानी की क्वांटिटी कम है तो आपके पास क्या है, एचईपी, या हमारे पास लेस एचईपी। अच्छा फिर क्या है, वाटर की जो इरिगेशन है वो कम होगी, क्योंकि अगर पानी ही कम स्टोर हो रहा है तो इरिगेशन भी कम होगी, पानी ड्रिंकेबल नहीं होगा, पानी गंदा हो चुका है, पानी के अंदर मट्टी मिल गई है, तो हम उसको डायरेक्ट पानी को नहीं पी सकते। सही, आप बच्चे बोलते हैं सर नहीं हम तो नॉर्थन एरियाज में जाते हैं पानी बहते हुआ होता है पी रहे होते हैं, बिल्कुल पी सकते हो, डैम्स का पानी बहता हुआ नहीं होता, डैम्स का पानी स्टोर हुआ, वो पानी क्या है फिर जब वो फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है उसमें से गंदगी एक साइड पे रुक जाती है, वो फ्लो होते हुए साफ हो जाता है, लेकिन पानी को आपको कहीं ना कहीं से उसको साफ करना पड़ेगा। तो ये आपके पास अफेक्ट्स हैं किसके, उसके। अब हल क्या है, सिल्टेशन का हल बताएं, तो हल हम क्या बताएंगे, हल ये नहीं लिखेंगे हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल ये लिखेंगे कि अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब, अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पहली दफा दरख्त उगाना, और रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो दरख्त काटे उसकी जगह पे दरख्त उगाना। तो जब आप अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में दरख्त उगा रहे हो तो सॉइल होल्ड होगी, जब सॉइल होल्ड होगी तो सॉइल मतलब पानी के साथ नहीं बहते हुए जाएगी तो सिल्टेशन। दूसरा सिल्ट ट्रैप्स लगा दो, सिल्ट ट्रैप्स का मतलब यह है जैसे आप जब चाय को छानते हो, तो चाय को जब छानते हो तो नीचे आपकी जो पत्ती है, अब आप बोलेंगे सर मैं तो टी बैग से पीता हूँ, बेटा वो आप पीते हो, लेकिन मैं एक तरीका समझा रहा हूँ कि चाय को जब छानते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है कि उसकी जो पत्ती होती है वो अलग हो जाती है। इसी तरीके से जहां पर डैम्स में पानी जा रहा है हम उधर सिल्ट ट्रैप लगा देंगे, जब पानी जा रहा है तो कचरा ऊपर रह जाए और पानी से अंदर से चली जाए। दूसरा क्या करें, लाइन कैनाल्स, ताकि पानी के अंदर गंदगी मिक्स ना हो, डैम की हाइट बढ़ा देंगे। पाकिस्तानी गांव है, आप देख लीजिएगा हमारे बहुत सारे डैम्स की हाइट बढ़ी हुई है, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हम तो हैं गंदे, हम कचरा तो साफ कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं डैम की हाइट को बढ़ा देते हैं कि चलो कचरा है ना कचरे की भी जगह बना देते हैं, हम डैम की हाइट को और इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पाकिस्तानी डैम्स के साथ बहुत ज्यादा वाव है, बाकी चेक कर सकते हैं। देन एक चीज है ड्रेजिंग, रिमूवल ऑफ सिल्ट। सर फिर ऊपर सिल्ट ट्रैप और ड्रेजिंग में क्या फर्क है, देखें सिल्ट ट्रैप का मतलब ये है कि जब पानी आ रहा है उससे पहले ही आप उसको छान दो, ड्रेजिंग का मतलब ये है कि जो पानी अंदर जा चुका है उसको रिमूव करो उसमें से गंदगी। सर क्या एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कभी आप पूल वूल में जाते हैं तो पूल की सफाई करने वाला एक बंदा होता है, वो एक नेट लेके खड़ा हुआ होता है और वो सारी सफाई कर रहा होता है, फिर क्लोरीन का पानी में डाल होता है, कहने का मतलब है वो एक छन्नी लेके बैठा हुआ होता है उससे वो सफाई कर रहा है। अब रिमूवल ऑफ सिल्ट ये है कि आपके पास बहुत बड़ा डैम है, आप उसके अंदर बड़ी सी मशीनरी यूज करते हुए जो उसके अंदर गंदगी है वो क्या कर रहे हो, साफ कर, तो इस तरीके से आप सिल्टेशन को रोक सकते। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को सिल्टेशन समझ आया या फिर समझ नहीं आया।